हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड के इन हसीन पहाड़ में। इन पहाड़ों की इस रंगत वाले त्योहारों के बीच सबसे पहले तो आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे गांव में मकर संक्रांति कैसे मनाया जाता है, हमारे पहाड़ों में, गांव में नहीं, पहाड़ों में भी और गांव में भी, तो चलो आपको दिखाते हैं। पहले शुरुआत होती है सुबह जल्दी उठने से पहले, मतलब कि जब तक उजाला ना हो जाए उससे पहले उठने की और फिर नहाने की। मम्मी पापा दो तीन बहनें वो तो सुबह नहा गए थे उजाला होने से पहले, और मैं अभी नहा के बाहर आ रहा हूँ। तो सबसे पहले नहाने के बाद हम रखते हैं कौवे को लकड़ी, तो चलो आपको बताते हैं। कौवे को लकड़ी बहनों ने पहले रख दिया और मुझे अब पता चला कि उन्होंने दे दिया, और अब वो रात को जो बनाते हैं पहले कौवों के लिए रख देते हैं, फिर सुबह को मैंने नहाने के बाद उन्हें रख देते हैं छत में कि कौवे आए, कोई चिड़िया आए उसे खाए। तो उन्होंने पहले ही रख दिया, और अब बारी हमारी जो बना रखा है उसे मंदिर में रखने का। तो जो बना है ये बना है, और ये अब जाएगा मंदिरों में, उसके बाद दो तीन जगह पर रखना पड़ेगा, पहले इसे इधर रख लेता हूँ। तो सारा प्रसाद मंदिरों में रख दिया, तो मकर संक्रांति माने कि धूमधाम से मनाते हैं हमारे यहाँ। क्या करते हैं लोग कि मतलब कि रात को, माने जिस दिन मकर संक्रांति के एक दिन पहले रात को, गाय भैंसों को एक पेड़ होता है कुरिया, उसे काट कर सब देते हैं, चाहे बकरी हो, चाहे घास हो, चाहे भैंस हो, गाय हो, कोई भी हो, उनको देते हैं। और सुबह में जब माने कि जिसके यहाँ दूध वगैरह नहीं रहता तो उसे लेकर आते हैं, और दूध घी जो भी है उसे लेकर आते हैं, बाकी जो बनता है प्रसाद में उसे भी बांटते हैं हर घर में। तो ये ऐसे ही मनाते हैं हमारे मकर संक्रांति, और आगे भी आपको और त्यौहार बताता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।